हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें ना तो किसी ओवन की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रेशर कुकर की। आज मैं इसे आपको कढ़ाई में बना के बताने वाली हूँ और इस तरह बनाने से ये केक काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के आता है। तो इस इजी पीजी सी चॉकलेट केक की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप दूध लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है जिसे कि मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, और इसके साथ ही इसमें 1.5 चम्मच लेमन जूस मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लेमन जूस की जगह विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे कडल होने के लिए हम साइड में रख देंगे। तो चलते हैं तब तक हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप और 1/2 कप, तो टोटल 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। आप कोई भी 1 कप ले लें और उससे इंग्रेडिएंट मेजर करें। 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे, ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 0.5 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और इसे हम छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और केक हमारा काफ़ी अच्छी तरह राइज होके सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। एक बार छानने के बाद हम इसे फिर से एक बार छान लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने 2 बार छान के रेडी कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने जो मिल्क कडल होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से कडल हो गया है, तो इसे मैंने 5 से 7 मिनट के लिए साइड में छोड़ दिया था। अब इसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। बस ऑयल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई स्मेल नहीं हो। इसके साथ ही इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और एक विस्कर लेकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम फेंट के तैयार कर लेंगे, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए फेंट लिया है। अब ये रेडी है, तो अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम एक बार नहीं ऐड करेंगे, हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लिया और इसे हम इस तरह से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। फिर से हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो टोटल मैंने 3 बार में इसे थोड़ा थोड़ा लेकर मिक्स किया है और बस हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो अब बैटर बनके हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस ले लिया है, इसे हम इसमें डाल के और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे। केक का बैटर हमारा रेडी है, तो अब इसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने मोल्ड लेकर और उसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और इस बैटर को अब हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मोल्ड में ट्रांसफ़र करने के बाद हम मोल्ड को 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप करके इसका एक्सेस एयर बबल्स निकाल लेंगे और ऊपर से मैंने यहाँ थोड़े से बादाम और पिस्ता लिया है, उससे हम अच्छी तरह से इसे कोट कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने पसंद के अनुसार कोई अन्य भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की जगह ऊपर से चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो उससे भी केक बहुत अच्छा तैयार होता है। तो अब ये केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है। तो चाहें या तो आप इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें, या फिर आज मैं इसे कढ़ाई में बेक करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उस पर हम 1 कप नमक डाल देंगे। तो नमक डालने से कढ़ाई हमारा इवनली गर्म होगा हर तरफ से। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और एक स्टैंड हम रख देंगे इस तरह का। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या कटोरी रख दें और इसे ढककर हम
मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसे हटाकर और केक के मोल्ड को हम इसमें अच्छी तरह से प्लेस कर देंगे। बस आप डालते समय ध्यान रखें कि हाथ आपका जले नहीं। ऊपर से कवर करके इसे हम पहले 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो करके इसे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। बीच में आप 1 से 2 बार इसे चेक कर लें। तो टोटल 35 मिनट्स बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। तो केक हमारा देखने से ही डन लग रहा है, तो एक बार हम एक स्क्वायर डालकर इसे हम चेक कर लेंगे। तो स्क्वायर भी बिल्कुल क्लीन निकला है, इट मीन्स केक हमारा डन है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई से निकाल कर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है और देखने से ही ये काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा है। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो केक हमारा ठंडा हो गया है, तो अब इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह के एक फ्लैट बोर्ड पे और इस तरह से पलट कर ऊपर से हम 1 से 2 बार टैप करके मोल्ड को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितनी अच्छी तरह से डीमोल्ड हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से बेक होके बिल्कुल सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कढ़ाई में चॉकलेट केक बना के तैयार कर लिया। तो ये केक बहुत ही वर्साटाइल है, आप इसे टी टाइम स्नैक के रूप में खा सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर आप किसी भी छोटे से सेलिब्रेशन के लिए भी आप इस केक को बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आज की ये सिंपल सी चॉकलेट केक की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।